विधानसभा सत्र के अनुपूरक बजट हुआ पेश, 5600 करोड़ से ज्यादा का बजट पेश हुआ। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बजट पेश किया, इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बजट पेश किया गया है, वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बजट पेश किया। विधानसभा सत्र में अनुपूरक बजट पेश हुआ, कहां कहां खर्च होगा अनुपूरक बजट वो आपको बताएंगे। किस तरीके से बजट पेश किया गया है, आपदा प्रबंधन विभाग के अंतर्गत SGRF हेतु 718.40 करोड़ रुपए, समग्र शिक्षा के अंतर्गत 697.90 करोड़ रुपए, SDMF के अंतर्गत 229.6 करोड़ रुपए, सूचना विभाग के अंतर्गत 225 करोड़ रुपए, शहरी विकास के अंतर्गत नगरीय अव्यवस्थापना के सुदृढ़ीकरण हेतु सहायतीत योजनाओं में 192.00 करोड़ रुपए, पेयजल विभाग में सवरेज मैनेजमेंट कार्यों हेतु धनराशि के रिंग फेंसिंग किए जाने हेतु 120 करोड़ रुपए, गैर सरकारी महाविद्यालयों को सहायता अनुदान 100.03 करोड़ रुपए, अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना पेंशनर के अंतर्गत 100 करोड़ रुपए। और साथ ही आपको बता दें कि शहरी विकास के अंतर्गत क्या कुछ दिया गया है, EWS आवासों हेतु 96.76 करोड़ रुपए, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत की बात करें तो उसमें लगभग 130 करोड़ रुपए की राशि अनुदान दिया गया है, और वहीं अग्निशमन सेवाओं का विस्तार एवं आधुनिकीकरण के अंतर्गत 71 करोड़ रुपए, मातृत्व लाभ योजना की बात करें तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना मिशन शक्ति सामर्थ्य के अंतर्गत 70 करोड़ रुपए, यूनिटी मॉल प्लाजा निर्माण के अंतर्गत 69 करोड़ रुपए, UJVNL के ऋण SASSI के अंतर्गत 61 करोड़ रुपए, UPCL परियोजना हेतु ऋण के अंतर्गत 61 करोड़ रुपए, उत्तराखंड निवेश एवं आधिकारिक सरपंच विकास निधि के अंतर्गत 92 करोड़ रुपए, अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना के अंतर्गत की बात करें तो उसमें 50 करोड़ रुपए का अनुदान किया गया है। और साथ ही आपको बता दें कि प्रदेश के मार्गों पुलियों का अनुरक्षण कार्य के अंतर्गत 50 करोड़ रुपए, और साथ ही आपको बता दें कि नारबड पोषित मार्गों पुलियों का अनुरक्षण हेतु 50 करोड़ रुपए, PMGSY से बनी सड़कों का अनुरक्षण के अंतर्गत 50 करोड़ रुपए, टिहरी झील के विकास हेतु 50 करोड़ रुपए, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज अधिष्ठानों को समनुदेशन के अंतर्गत लगभग 46 करोड़ रुपए, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के अंतर्गत 40.95 करोड़ रुपए। पुष्कर सिंह धामी जी के मार्गदर्शन में हम लोग कोशिश करते हैं कि कैसे हम अपने प्रदेश का समग्र विकास करें। आप जानते हैं कि इससे पहले बजट प्रस्तुत किया था 89,000 करोड़ रुपए का, और उसके बाद जो आवश्यकताएं या नई स्कीम्स आई उसमें भी हमने अनुपूरक बजट के माध्यम से प्रावधान किया है। ये 5,013 करोड़ का है जिसमें 3756.89 करोड़ रुपया राजस्व पक्ष में और 1256.16 पूंजीगत पक्ष में हमने प्रावधान किया है। और आपको जानकारी देना चाह रहा हूँ कि जिस प्रकार से माननीय धामी जी ने एक संकल्प लिया है कि हम लोग हर क्षेत्र में, यदि याद हो तो पिछली बार जो बजट प्रस्तुत किया था मैंने एक शब्द का जिक्र किया था, ज्ञान, GYAN, और उसका कहीं ना कहीं जो अंश है वो इसमें इस अनुपूरक बजट में भी हम लोगों ने दर्शाया है, उसको भी इसमें परिलक्षित किया है। इसके साथ साथ जो हमने फोकस किया है मुख्य रूप से वो आपदा में लगभग हमने 1,000 करोड़ रुपए का इसमें प्रावधान किया है। अनुरक्षण में हमने इसमें कोशिश की है कि जैसे हमारे यहाँ बार बार मेंटेनेंस और इसकी हम लोग बातचीत करते हैं तो उस पर भी हमने प्रावधान किया है, शिक्षा में प्रावधान किया है, और जो हमारे वाइब्रेंट जो विलेजेस हैं जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था वो अंतिम गांव नहीं प्रथम गांव, यानी उसके लिए भी हमने 130 करोड़ का प्रावधान किया है। कुल मिला के यदि मैं कहूँ, आप देखिए कि जो हमारे सॉलिड वेस्ट NGT के निर्देश पर हमने जो प्रावधान किया 120 करोड़ रुपए का, स्थानीय निकायों के सशक्तिकरण के लिए 45 करोड़ का, टिहरी झील, आप जानते हैं कि जिस प्रकार से पर्यटन पे हमारा फोकस है और उस पर भी हमने 50 करोड़ का
उसके विकास के लिए प्रावधान किया है। नाबार्ड पोषित लघु सिंचाई योजना के लिए 40 करोड़। अब ये जो लघु सिंचाई है, एक तरह से किसानों से संबंधित यानी अन्नदाताओं से संबंधित विषय मैं कह सकता हूं। राज्य संपत्ति के द्वारा जो हमारे यहाँ कुछ भवन बनने हैं, जिसमें अयोध्या है, वाराणसी है और रुद्रप्रयाग है, चंपावत है, ये उसके लिए भी हमने इसमें इसमें हमने लगभग 25 करोड़ का प्रावधान किया।